अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेम, जिस पर 1993 सीरियल बम धमाकों का मामला चल रहा है, वो डॉन जिसे बिल्डर प्रदीप जैन के मर्डर के लिए कोर्ट ने दोषी ठहराया है। अबू सालेम भारत सरकार का मुजरिम है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे सरकार के रखरखाव यानी जेल में मिलती हैं सारी सुख सुविधाएं। मुंबई से सटे नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद गैंगस्टर अबू सालेम जेल में जीता है राजाओं की जिंदगी। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेम की दादागिरी जेल में भी बरकरार है। जेल में अबू सालेम का एक छत्र राज्य चलता है। अबू केएफसी का चिकन खाता है, जेल में दूसरे कैदियों के साथ पार्टी करता है, जब दिल चाहता है घर से खाना मंगवाता है, और यही नहीं, उसके सह कैदी उसके कपड़े धोते हैं, उसके बर्तन माँजते हैं, उसको खाना परोसते हैं और उसका सेल भी साफ करते हैं। ये तमाम खुलासे किए हैं तलोजा जेल के जेलर हीरा लाल जाधव ने, जिन पर डॉन अबू सालेम ने अत्याचार का आरोप लगाया था। इंक्वायरी का जवाब 5 पन्नों के बयान में जेलर हीरा लाल जाधव ने दिया है, जिसमें ये तमाम खुलासे हैं। अबू सालेम मुंबई सीरियल बम धमाकों का आरोपी है, जिसे 2005 में पुर्तगाल से डिपोर्ट कर भारत लाया गया था। सालेम वक्त वक्त पर जेल में सह कैदियों को खुश करने के लिए पार्टियां भी देता है। अबू सालेम जेल से बाहर निकलने के लिए हर कोशिश करता है। वो अपनी हर एक रिमांड में बाहर जाना चाहता है, जबकि जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है, जिससे वो अपने ऐशो आराम और चिकन खाने का शौक पूरा कर सके। पिछले एक साल में सालेम 42 बार जेजे अस्पताल गया चेकअप के लिए, जबकि डॉक्टर्स को भी कोई शारीरिक समस्या सालेम में नजर नहीं आती। ये आरोप खुद जेलर हीरा लाल जाधव ने लगाए हैं। जाधव ने इंक्वायरी का जवाब 5 पन्नों में लिखित रूप से दिया है और अबू सालेम की जेल में सारी करतूत बताई है। कई बार अबू सालेम के पास से मोबाइल चार्जर भी बरामद हुए हैं। कई बार जेल के अफसरों ने जब सालेम को राजाओं की जिंदगी जीने से रोका, तो उसने जेल अधिकारियों को धमकाया और जेल के मेडिकल अफसर के साथ भी बदसलूकी की, क्योंकि वो मेडिकल चेकअप के लिए फर्जी रिपोर्ट नहीं बना रहा था। हीरा लाल जाधव तलोजा जेल के सुपरिंटेंडेंट हैं और डॉन अबू सालेम ने टाडा कोर्ट में 16 पन्ने का हलफनामा अगस्त में सुपरिंटेंडेंट हीरा लाल जाधव के खिलाफ दिया था। अबू ने हलफनामे में आरोप लगाया था कि जेलर मुझे परेशान करता है, मेरे सेल के बाहर दिन रात 2 कांस्टेबल खड़े रहते हैं, जेलर मेरी स्ट्रिप सर्च कराता है, मुझे आत्महत्या करने के लिए उकसाता है। सालेम ने हीरा लाल जाधव पर आरोप लगाया था कि उसे इसोलेटेड जगह रखा गया है, जहां कोई बात करने को नहीं रहता है और वो डिप्रेशन का मरीज होता जा रहा है। जेलर हीरा लाल जाधव ने इंक्वायरी को दिए अपने एक बयान में कहा कि सालेम के राजसी रहन सहन पर जब उन्होंने रोक लगाई, तो उसने जेलर के खिलाफ हलफनामा फाइल कर दिया। सालेम ने आरोप लगाया था कि जेलर अस्पताल जाने के लिए पैसे मांगता है, जबकि जेलर का कहना है कि सालेम अस्पताल जाने का आए दिन बहाना ढूंढा करता है। वरिष्ठ पत्रकार बलजीत परमार का कहना है कि अबू सालेम एक विशेष ट्रीटी के तहत भारत आया है, जिसका वो फायदा उठाता है और उसका दुरुपयोग भी करता है। अबू के सेल में CCTV लगाया गया है और 2 जवानों को सेल के बाहर 24 घंटे तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से लिया गया ये कदम अब सालेम को चुभता है। उसको लगता है उस पर 24 घंटे नजर रखने के लिए ऐसा किया गया है। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब फॉलो एंड लाइक।